लेडीज फर्स्ट हां लेडीज त्या फर्स्ट लेडीज फर्स्ट बोलो अरे बोलो बाप जीजा जी कल रात को मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा. अच्छा नहीं बुरा करेक्ट है. हाउ कैन और सब लोग कहते हैं हंसा प्रफुल हिमांशु बेवकूफ खुद बेवकूफ. वी विश टू मेक सारा भाई एज अ फिल्म बट ओवर द लास्ट 21 इयर्स प्रफुल हंसा हिमांशु जयश्री एंड बाबूजी हैव बिकम आइकॉनिक इन आवर लाइव्स. हाय गाइस दिस इज हिमेश एंड वेलकम टू पिंक विला. टुडे वी हैव विद अस द कल्ट कैरेक्टर्स ऑफ खिचड़ी. वेलकम टू पिंक विला गाइस. इट्स लवली हैविंग यू हियर फर्स्ट. थैंक यू भाई. थैंक यू सो मच. Nice being with all of you. Yeah, thank you. Firstly, the trailer looks very funny and looking forward. I showed it to my mom and mom was like, "Ke, aa movie to mane jovu chhe." So, aa movie to mare hi jovu chhe. My first question is to JD sir and Atish sir. Last Khichdi film came in 2010. It has been 13 years. What took you so long to make Khichdi 2? We were actually waiting to get a right script which can go above the Khichdi 1. It was not like we worked on few concepts, we always discussed, there were ideas and ekad be script to bani lakhi evu bhi thau. We were trying, hum log koshish kar rahe the, par ek simple si baat hui jo sequel hoti hai wo kya tha na, tab paise pehle se pata nahi chala tha, par 2010 ke baad ye Khichdi bar bar aate aate repeat aur telecast hote hote it became a cult film. वो इतनी बड़ी हो गई तो हमको भी ये महसूस होने लगा कि हम जो कर रहे हैं वो जब तक हम इसके ऊपर ना जा पाए तब तक करने का कोई मतलब नहीं है. तो जब तक हमारे हाथ में ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लगी जो कि अभी ये है खिचड़ी 2 मिशन पान तुर्किस्तान, जो आज के दिन में भी रेलेवेंट है और वो 2010 में आपने अगर खिचड़ी देखी या पुरानी भी आप खिचड़ी के फैंस हैं तो वो आपको इससे 4 गुना ज़्यादा हंसा सके वैसी बनी है. वो जब तक हमको नहीं लगा तब तक हम नहीं करना चाहते थे इसलिए वो ना बनी. मेरे पास इसका पूरा जवाब और है लेकिन आधा आतिश के पास है. आतिश को क्या होता है कि जैसे इन्होंने कहा कि कैरेक्टर अपने आप में लार्जर देन लाइफ हो गए. हाँ. तो वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को फिर कुछ ऐसा तो देना चाहिए ना कि जिसके बलबूते पर इनको जो है जस्टिस मिले या ऑडियंस को मिले कि हमारे चहेते किरदार, अदरवाइज तो वही रहते हैं, ग्रो नहीं होते, जैसे थे वैसे होते हैं लाइक कॉमिक बुक कैरेक्टर्स. लेकिन उनका मकसद तो कोई बड़ा होना चाहिए हमको एंटरटेन करने का. और दूसरा कि आज के माहौल को रिफ्लेक्ट करती हुई कोई तो कहानी होनी चाहिए कि जिसके जरिए हम 4 चीज लोगों को कह जाए, जिसके जरिए लगे कि यार खिचड़ी वाले इस बारी जो है हमको हंसाते हंसाते हमको और कुछ दे करके गए मनोरंजन के साथ साथ, जो उनको पता भी नहीं चलेगा. बोलो हंसेंगे. ये मैं बहुत सच्चे दिल से ये मानता हूं कि खिचड़ी जब 17 नवंबर से लोग देखने आएंगे खिचड़ी 2 तो बहुत मजे करेंगे, बहुत मनोरंजन मिलेगा. लेकिन बैक ऑफ द माइंड कुछ चीजें उनको मिलेगी जो ये लोग अपनी इनोसेंस में जो है पान तुर्किस्तान नाम के इस फिक्टिशियस ऐसे काल्पनिक देश में जाकर के कैसे बदलाव लेकर के आते, वो बदलाव जो है वो बहुत मजेदार होने वाला है. और ये सारा जो है ये सारा जर्मिनेट होना, ये इस तरह का एक कहानी बननी, दिमाग में जब तक वो आएगा नहीं तब तक कागज पे जो लिखा हुआ है वो तो अपने आप को रिपीट करने लायक जैसा हो गया. तो रिपीट नहीं करना था हमने अपने आप को. खिचड़ी 2 का मनोरंजन ट्रिपल करना था लेकिन कहानी को रिपीट नहीं करना था, कहने का जरिया भी रिपीट नहीं करना था, उसको नॉवेल बनाना था. तो वो सारी चीजें मिलकर के जब आई तब हमने आपके सामने खिचड़ी 2 पेश करी. एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे एक्टर्स के लिए, आप जब एक कैरेक्टर को ओवर द इयर्स प्ले करते हैं क्या वो डिफिकल्ट होता है टू पिक इट अप फ्रॉम वेर यू लेफ्ट इन द लास्ट फिल्म? क्योंकि आई थिंक फर्स्ट टाइम जब आपने ये कैरेक्टर्स प्ले किए थे वो था 2003 में, 2002 में, एंड इट हैज बीन 21 इयर्स. तो वो कैसे इनोसेंस इंटैक्ट रखना? लेडीज फर्स्ट. लेडीज त्या फर्स्ट. लेडीज फर्स्ट बोलो. आई थिंक हाँ मुश्किल. मुझे पर्सनली एज एन एक्टर इस बार मैंने आतिश से कहा भी था जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब हम बात करने लगे खिचड़ी वापस लाने की, तो मैंने ये ज़रूर बोला था कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हंसा का जो इनोसेंस है, जो जो खूबसूरती थी हंसा की, वो वापस मैं ले आ पाऊँ. और
जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें उसके बाद मैंने की भी एज एन एक्टर. फॉर मी हंसा मुझे कभी नहीं छोड़ती, मैं हंसा कहीं भी कभी भी कर सकती हूँ, पर वो इनोसेंस वापस लाना मेरे लिए एक चैलेंज था. बिकॉज मुझे कभी कभी लगता है एज एन एक्टर आप थोड़े स्मार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने इतनी बार ये चीज़ की होती है तो आप थोड़े से मुझे मालूम है वैसा हो जाता है. तो मैं आतिश को कंटिन्यूसली ये कहती थी कि देखो प्लीज़ कीप मी इन चेक, आई डोंट वांट टू गो आउट, आई वांट टू कीप दैट इनोसेंस, आई वांट हंसा टू बी व्हाट शी वाज. और आई थिंक दैट वाज द नाइस पार्ट, द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ डूइंग हंसा. पर मुझे हंसा करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती. जब पहले किया था तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अब ऐसा लगता है कि वो एक हिस्सा है मेरी मेरी जिंदगी. जेडी सर, मेरे लिए बहुत ही, यानी हिमांशु का एक रोल इतने साल बाद करना, वही बहुत सबसे बड़ी महत्व की बात. क्योंकि यहाँ बैठे चार एक्टर्स दूसरे जो है, ये बाहर कोई ना कोई काम, चाहे थिएटर हो, चाहे सीरियल हो, चाहे फिल्म, उन्होंने किया है. मैं अभी ये बोल रहे थे तो मुझे याद है ला, मैंने तो हिमांशु के बाद सीधा हिमांशु को किया. इतने सालों तक मैंने कुछ काम ही नहीं किया था एक्टर. पर ये मुझे तब थोड़ा सा पता था और मुझे मज़ा ये आया दैट बिकॉज मेरे अंदर का एक, जो चाहे एक्टर कह लो, चाहे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, जो कुछ एक क्रिएटिव बंदा जो मेरे अंदर है, वो हमेशा बिकॉज आई हैव टू लुक एट कि आज के दिन में आज लोगों को क्या पसंद आएगा, वो एक किरदार जो बना है. तो आई ऑलवेज एज एन एक्टर ऑल्सो, जब मैं हिमांशु करने जाता हूँ तो मैं अपना जो मेरे लिए खुद के लिए पहले स्क्रिप्ट आने से पहले होमवर्क शुरू हो गया था दैट आई टू अनलर्न सर्टेन थिंग्स. क्योंकि आप जाते हो कहीं, कोई बोलता है एक बार हिमांशु शुरू करने बताओ ना, एक बार, एक बार सर 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 एक बार एक बार, तो हम कर भी लेते थे. और मेरा तीन चार डायलॉग ऐसे घुस गए थे मेरे दिमाग में, ऐसा डायलॉग बोलूंगा कि लगे ही नहीं कि डायलॉग बोला है. आउ करता करता मैंने इतनी बार कह दो, मुझे लगा था ये हिमांशु नहीं है, ये हिमांशु का कैरिकेचर है, ये 50वीं 60वीं 75वीं कॉपी. हम ना रोज करते करते कब ऐसे बन जाते ना, तो वो पता नहीं चलते. हमने सीरियल में हमने एक्सपीरियंस किया था कि हमने रोज करते करते ना, हम कहीं हम खुद अपने आप को कलेक्टिवली कहीं एक डिग्री खो बैठे. तो मेरे लिए एक्सरसाइज थी कि हाँ, इस बार अपने आप को बहुत सही तरीके से प्रिपेयर करना था. एट द सेम टाइम द प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर थिंग्स, बट वेन एवर आई हैड टू डू समथिंग, मेरे लिए एक था कि इसको बहुत ही सिंसियरली, और ये वर्ड जो खिचड़ी के लिए नहीं जाता है, पर बहुत ही सीरियसली समझ के कर. और सबसे बड़ी बात थी, जो एज एन एक्टर भी हमारी एक्सरसाइज होती है, कौन क्या बोलता है ना, सुन के जवाब दो. जो पहले कभी बार कैरेक्टर में होते तो चले ही जाते थे, तो आई लर्न सर्टेन थिंग्स इन दिस किचन, जो काफी सालों से एक्चुअली पहले कर लेना चाहिए था, दैट टू लिसन टू अदर्स एंड देन डू इट, दैट हैज रियली वर्क फॉर मी इन दिस मूवी. करेक्ट. वंदना मैम, जब शुरू हुआ खिचड़ी शूट करना इनिशियली, तो बहुत डर लगा था क्योंकि इस तरह का किरदार कभी किया नहीं था और काफ़ी डिफरेंट है, बहुत एज पे है ये कैरेक्टर, थोड़ा इधर हो जाए तो पूरा नेगेटिव हो जाए. काफ़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन आतिश इज़ अ वेरी गुड टीचर. बहुत अच्छे से, मतलब मैंने तो उनको पहले ही दिन बोला था कि ये मैं कर नहीं पाऊँगी, पर आतिश जेडी को मुझ में बहुत भरोसा था. तो उनका भरोसा खरा उतरे उसके लिए मैंने मेहनत की. एंड मैंने आतिश को वही बोला कि मुझे ये डायलॉग फर्स्ट सीन जो है, पूरा का पूरा सीन, जितना जितना हम टेक लेंगे वो तुम मेरा डायलॉग मुझे करके बताओ. करके इन द सेंस कैसे बोलते हैं वो बोल के बताओ, मैं तुमको फॉलो करूंगी, पॉज ये वो सब कुछ मैं वैसे करूंगी. और इस तरह से फिर इट वॉज देयर कि भाई हाँ आते. एंड देन आई फेल इन लव विद जयश्री. मुझे बहुत ये किरदार पसंद है, बहुत, मतलब बहुत, क्योंकि हम लोगों में से कहीं ना कहीं जयश्री सब में है. जिनको गॉसिप करना भी पसंद है, जो इनको मतलब घर के लोगों में भी थोड़ा ध्यान भी रखती है, एट द सेम टाइम वो गुजराती वो टिक्खड़ बोले ना कि मस्ती भी करती है, शरारती है, सबका ध्यान भी रखती है उतना ही, बच्चों का भी उतना ही करती है. तो ये हमारी माँ कहीं ना कहीं है, हमारे घर में भी ऐसी है फीमेल. तो आई फील कि ये दिस इज अ वेरी स्पाइसी कैरेक्टर, यू कैन से. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
और योद्धा की तरह जो है अपनी जेठानी और जेठ को प्रोटेक्ट करती है। ये तो उसकी जेठानी का भाई है, लेकिन हिमांशु को कोई मजाल है कोई कुछ भी बोले। मैं कभी कभी जो रोल करता हूँ इनके भाई का, तो सगा भाई उसको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। तो ये जो इम्बेलेंसेज है ना, इतना खूबसूरत है। तो वो आगे आकर के आप कोई बोल के दिखाए, आप कहीं भी आपको ऐसा कोई एक वाक्य भी दिखाए जिसमें हंसा भाभी को किसी ने कुछ बोल दिया और ये लड़ने आगे ना आए। हाँ। और बाबूजी को भी किसी ने कुछ भी हो, मैं कर सकती हूँ। हाँ। बाकी कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ। तो ये प्रोटेक्टिव आप सब तो करवाती है प्रोटेक्टिवनेस है ये। सो आई लव एवरीथिंग अबाउट जयश्री एंड आई एक्चुअली फेल इन लव विद जयश्री। तो वो तो मतलब आई थिंक दैट इज बहुत मजेदार रोल एंड ओवर द इयर्स जब सीजन आई आई थिंक इन अ कैरेक्टर आई हैव ग्रोन और फिल्म में भी वही मजा आपको देखने को मिलेगा बिकॉज आतिश हम सबको जब मिलते हैं मजा होता है एंड ही हमें बिल्कुल करेक्ट सुर पे फाइन ट्यून कर देता है सबको। तो करेक्ट सुर में हम सब परफॉर्म कर देते हैं आ जाते हैं तो बहुत मजा आता है। हमेशा मजा आया है, खिचड़ी टू में भी मजा आएगा और हम चाहेंगे ऑडियंस भी मजा ले। 70 नवंबर आज ही नहीं बोलता एक्चुअली एक पाला है जिसमें हम सबको परो के रखा है 17 नवंबर नहीं आप बोल दो एक बार मेरे केस में तो ऐसा है कि और प्रफुल के अलावा और कोई रोल करना हो तो मुझे डिफिकल्ट पड़ता है। हाँ, आई मीन इट। ओके। अभी गुजराती, हाँ अभी गुजराती एक फिल्म की तो आई हैड टू फोकस प्रॉपरली मोर फॉर द कैरेक्टर और इसमें तो बैक ऑफ द माइंड एक था, कॉन्शियसनेस थी कि इसमें डबल रोल है मेरा तो आई हैव टू बी वेरी अलर्ट अबाउट इट। आई वॉज ऑन माई टोज थ्रू आउट द फिल्म। साचू बोल अरे कभी कभी तो घर पे मेरी मेड सर्वर को मैं हूं ना नंदा नंदा आई आप सब के हिसाब से ये थ्रू द जर्नी जो खिचड़ी की 21 सबसे फनीएस्ट गैग कौन सा रहा है इन खिचड़ी इन द वर्ल्ड ऑफ खिचड़ी। ये ह्यूमर जो कहते हैं पार्ट वन में जो थी जो हिमांशु एक सीन में मुझे कहते हैं जजा जी कल रात को मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। अच्छा नहीं बुरा मैं टूट गया टूट गया। और भी ऐसे खिचड़ी वन का मुझे एक और भी याद है जब वो चक्की आती है भाग के और प्रफुल और हंसा गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो आके कहते मम्मा फोन 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 है हाँ फोन है फोन है। हंसा कहते वेरी गुड अब ये बताइए क्या है। कुतुब मीनार वाला डायलॉग जो ट्रेलर में है सो क्या हिमांशु ने एक्सप्लेनेशन दिया इससे सिर्फ कहा इसको कुतुब मीनार लगा तो कुतुब मीनार थोड़ी उठा। अरे पर बेवकूफ कौन बोला कुतुब मीनार उठा के भाई जीजा जी को उठा के मारा उसमें करेक्ट थे हाउ के और सब लोग कहते हैं हंसा प्रफुल हिमांशु बेवकूफ खुद बेवकूफ। मैंने एक हफ्ते पहले परेश रावल सर का इंटरव्यू किया था जहाँ पे वो बता रहे थे कि जब वो सीन शूट करते हैं कॉमेडी फिल्म में तभी कैसे हंसी आती है पर वो कंट्रोल करते हैं कि उनका जो ट्रिक था होता कि वो टंग बाइट कर लेते हैं। वैसे आई एम श्योर आप सबका भी अभी इतने सारे फनी सीन्स है तो सेट पे आप कैसे कंट्रोल कर दे के सीन में आप लाफ ना करें। हम नहीं कर सकते ना परेश रावल की टंग हमारे पास नहीं होती है। आई विश परेश रावल तो टंग कंट्रोल हो गया। आई वांटेड टू गिव वन टू परेश रावल वन बैक टू परेश। परेश ने मुझे हंसते हुए रुलाया है सेट पे हम प्ले में साथ में एक 30 सेकेंड काम करते थे। परेश ने ऐसी मस्ती लाइव शो में स्टेज पे करते थे एग्जिट मारनी पड़ती थी। परेश नहीं हंसा नहीं हंसा। अब मुझे पता चला कि परेश के सामने हंसता रोकना कैसे। तो आप कैसे कंट्रोल मतलब आप कैसे रहते हो सेट पे एम्बियंस नहीं हम लोग बहुत हंसते हैं पर जब
टेक आता है ना तो सिर्फ बाबूजी हंसते हम में से कोई नहीं हंसता वो हंस पड़ते एक बात बताना चाहती हूँ जनरली क्या होता है कि हम शूटिंग में अगर कहीं हंस पड़े लाइक मुझे भी बहुत हंसी आती है तो हंस पड़ते हैं तो कई बार एक दो टेक के बाद थोड़े शक्ल बिगड़ने लगती है कि चलो अभी बहुत हो गया ये मतलब यू नो यहाँ तो सभी हंसते हैं इसलिए यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं कि भाई किसी की शक्ल बिगड़ी है कि चलो भाई इतना हंस रही है यार ये बस हो गया तो मैं अगर इतना हंसती हूँ तो ये तो डबल हंसते हैं यहाँ तीन गुना है मतलब इस तरह से और मुझे मजा आता है मैं कट ही नहीं बोलता सुप्रिया मैम यू हैव डन सो मेनी सीरियस कैरेक्टर्स एंड देन देयर इज खिचड़ी व्हिच इज लाफ्टर ऑन स्टेरॉइड्स बेसिकली व्हिच इज मोर डिफिकल्ट फॉर यू कॉमेडी इट इज मोर डिफिकल्ट because it's as I said it's a whole matter of timing yeah. and it's a whole matter of the writing that's given to you the way you manage to perform it yeah. so I personally feel comedy is much more difficult than making somebody cry JD sir and Adish sir aap dono ke paas do poles apart comedy hai one is khichdi and one is sarabhai आप वो दोनों कॉमेडी कैसे क्रिएट किए आपने डू यू प्लान टू मेक समथिंग विद सारा भाई ऑल्सो अगेन फॉर द बिग स्क्रीन आपने खिचड़ी तो बिग स्क्रीन के लिए बनाई है वी विश टू मेक सारा भाई एज अ फिल्म बट जैसे खिचड़ी मूवी के लिए मैंने पहले बात करी आपको ये सवाल आतिश से पहले जाना चाहिए कि भाई ये जो कैसे तो इन्होंने किरदार क्रिएट करे ओके सो बट मूवी के बारे में अगर सारा भाई की बात करूँ मैं आपके लिए तो वी वुड लव टू मेक एंड बट क्या है कि जिस तरह खिचड़ी एक बनी और दूसरी बनी इसमें कहानी आई yeah. वो जब कहानी मिले तो ही मूवी बन सकती है आप कुछ भी करने जाओ तो अगर आपको आज के दिन में जो वर्क कर सके ऐसी हमारी खिचड़ी टू मिशन पान तुर्किस्तान नहीं बनी होती तो हम कभी नहीं छूते yeah. तो इसलिए सारा भाई फिल्म तभी बन सकती है जब ये खिचड़ी टू पहले तो बहुत अच्छे से हमको लगे के रेलेवेंट रह के ये बहुत अच्छे से चली है लोगों को पसंद आई वी कुड गो अबव वन एंड वॉट एवर सारा भाई खिचड़ी कॉमेडी यूनिवर्स वी हैव क्रिएटेड टिल नाउ देन ओनली वी कैन आंसर यू ऑन 2024 अबाउट सारा भाई करेक्ट ओके एंड वन लास्ट क्वेश्चन मुझे अभी तक याद है चाइल्डहुड में वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑन टेलीविजन वॉज एक प्रोमो आया था जो सारा भाई और खिचड़ी का क्रॉसओवर था जिसमें वो प्रोमो भी मुझे अभी तक याद है बेल बजती है एंड बाहर पूरा पारिक परिवार खड़ा है एंड कमिंग सून वो क्रॉसओवर टीवी पे हुआ है आपके माइंड में कभी भी वो थॉट आया है टू यू नो ब्रिंग दीज टू आया है उसकी एक वजह है एक बहुत सिंपल वजह है कि खिचड़ी टू का एक यूनिवर्स जो है हाँ. तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे कभी किसी ने रोल नहीं दिया किसी ने एक्टिंग करने का मौका ही नहीं दिया yeah. नहीं नहीं वो ठीक किया तू तो मैंने कहा ठीक से तो 72 एक्टर को आप देते हैं काम मैं ठीक तो हूँ दिया था नहीं नहीं आपको देवेन भोजानी ने अपनी एक शॉर्ट फिल्म में एक रोल दिया था और आपका क्या हुआ था नहीं, नहीं। आपके दोस्तों वो डायरेक्टर वो देवेन भोजानी का जो है एज अ डायरेक्टर वो मुझे नहीं करवा पाया ठीक से मैं तो बेहतर ही नहीं कर रहा था तो फिर और मैंने खुद को भी देवेन भोजानी देवेन यू टू रिप्लाई दिस टू आतिश ऑन सोशल मीडिया एंड यू मस्ट टेलीकास्ट दैट क्लिप व्हिच आतिश परफॉर्म प्लीज प्लीज तो इन सारे कैरेक्टर्स को लिख कर इनको जो है उनका डायरेक्ट करके मुझे बड़ा सुकून मिलता है अब सारा भाई के कैरेक्टर्स इसीलिए डेलिबरेटली क्रिएट करे गए थे बिकॉज लोगों ने कहा कि अच्छा खिचड़ी एक किस्म का है तो आप पे ना ये फिर एक एक तोहमत कह दो या जो भी है हाँ। या अभी ये इसी तरह का बनाएंगे तो ऐसा कुछ इससे अब हम अलग करके दिखे ऐसा कोई इरादा नहीं था उसकी एक डिमांड ही अलग थी और ये पात्र और मैं ये सच्चे दिल से बोलता हूँ कि मुझे ये पात्र ऐसे काल्पनिक नहीं लगते मैंने दुनिया में लाइफ में अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा है मेरे तो फैमिली में है ऐसे लोग लेकिन मेरी फैमिली में सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसे भी लोग हैं और रियली एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज वो एक रियल परिवार पे आधारित है ये तो मेरे परिवार ये तो मैं एक्चुअली कहूंगा मेरे एक्सटेंडेड परिवार पे ही आधारित है ये सारे लोग अब सोचो कि एक पूरा लाल है और एक पूरा सफेद अब इतना भड़कीला एक लाल फैमिली और एक एकदम प्रिस्टीन सफेद उसका मिश्रण कितना खूबसूरत हो सकता है करेक्ट तो आपने जो बोला तो वो बात दिमाग में घूमती रहती है कि एक वो हमारे एपिसोड्स थे भी बहुत जबरदस्त बहुत अच्छे सिंपल कॉन्ट्रास्ट मूवी बनाना इट विल बिकम वेरी वेरी टू बी राइट नाउ अभी हम उनको कोई
गलत होप्स भी नहीं देना चाहेंगे. आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने कहा कि वो हो सकता अगर किरदारों का अगर हम मिलन करें, पर इट विल बी वेरी वेरी चैलेंजिंग डिफिकल्ट नॉट ओनली टू राइट बट टू ब्रिंग इट टू अ लेवल वेयर वी कैन जस्टिफाई सच लेजेंडरी कैरेक्टर्स टू एक्टर्स टू एवरीथिंग. डिफिकल्ट लग रहा है बट राइट नाउ तू आने वाइंड अप करो मटे तमे लास्ट वर्ड्स बिफोर. हां ऑन खिचड़ी टू यू से समथिंग मैं तो की तू आई मीन इन टर्म्स ऑफ माय चाइल्डहुड आई हैव ग्रोन अप सीइंग खिचड़ी विद माय फैमिली एंड जेव आनु ट्रेलर आव्यू मैं मॉम ने देखा बताई कीधु कि आपने आने फर्स्ट डे जोवानु छे. सो दैट इज माय चाइल्डहुड. ये इनका मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके देता हूँ क्योंकि इन्होंने कहा जैसे मैंने ट्रेलर दिखाया मॉम को बिकॉज ये मेरा चाइल्डहुड का ये तब से मैं इसका फैन था. इसमें चाइल्डहुड मेमोरी नॉस्टैल्जिया जो मैंने जैसे मॉम और डैड को दिखाया तो बोला फ्राइडे देखना है. इसका मतलब हिंदी में तो आप समझ गए, अंग्रेजी नहीं करता इसका. पर एक बात समझिए, हमको जो ये सुनने मिल रहा है ये कमेंट कि ये नॉस्टैल्जिया है, चाइल्डहुड मेमोरी है, और आप में से कोई काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको खिचड़ी के बारे में कुछ पता नहीं होगा. आप एक ट्रस्ट कीजिए. ट्रस्ट इसलिए कीजिए क्योंकि अगर आपने अभी तक देखा है तो अब तक आपको मज़ा आया ही होगा. ट्रस्ट ये कीजिए कि हम बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, हमने सबने बहुत आवर बॉडी ऑफ वर्क हैज बीन वेरी गुड एंड व्हाट वी विश दिस दिवाली इज वी विश टू स्प्रेड लाफ्टर, नथिंग एल्स. हमको हमने तो बना ली पिक्चर, हमने तो हमारे मजे कर लिए, हमको एक मज़ा और करना है जो लोगों में हंसी का ये कहता ना कि लाफ्टर फैलाना है. क्यों? माहौल ऐसा है कि जितना जितनी खुशियां आप फैला सको कम है, करते रहो. तो हमारा सिंपल सा मोटो इस दिवाली, हंसो और हंसाओ. हंसो 17 नवंबर को जरूर आओ. जरूर.